टोक्यो में चल रही ओलंपिक खेलों में पुरुष व महिला हॉकी टीमों ने अच्छा प्रदर्शन कर हॉकी के खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश हॉकी टीम के 8 बार नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुके एक खिलाड़ी जूते सिलकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस खिलाड़ी ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 8 बार हॉकी में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन सरकार ने इसके बदले इन्हें कुछ नहीं दिया। परिवार पालने के लिए हमीरपुर नगर में जूतों की दुकान वे चला रहे हैं। दिल में अभी भी हॉकी के प्रति जज्बा रखने वाले सुभाष चंद ने उम्मीद जताई है कि केंद्रीय युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उनके परिवार की हालत को देखते हुए उनके बेटे के रोजगार के लिए कोई सहायता जरूर करेंगे। सुभाष चंद ने अपने समय को याद करते हुए कहा कि उस समय हॉकी में बहुत अधिक सुविधाएं न होने के बावजूद खिलाड़ियों का खेल पूरे जोश में होता था, और खुशी जताई कि आजकल खेल में हालत अच्छी हुई है और खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सुभाष चंद ने कहा कि उनका तो समय निकल चुका है, लेकिन उनकी उम्मीद है कि उनके बेटे के लिए सरकार कुछ न कुछ करे। इससे पहले भी वे कई मंचों के माध्यम से सरकार से मदद के लिए मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। हमने ऑफिस शुरू की थी उस वक्त तो काफी कमियां थी, आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत ही कमियां थी, लेकिन हमने फिर भी मेहनत की और आगे निकलने के लिए हमें जो भी चीज़ है, टूटी हॉकी मिली, टूटी हॉकी से खेले, टूटे पैड मिले, टूटे पैड से खेले। मैं गोलकीपर रहा हूँ हिमाचल का, और 78 में पहला नेशनल जो है दिल्ली में खेला था। उसके बाद लगातार ही नेशनल खेलते गए, स्कूल नेशनल हुआ दिल्ली में, उसके बाद कलकत्ता में हुआ, अपना कोल्हापुर में हुआ, ये सब नेशनल मेरे 7-8 नेशनल बनते हैं जो मैंने खेले हुए हैं, सीनियर जूनियर सब खेले हैं। और उस वक्त का टाइम जो था बहुत ही नाजुक था, आज के हालात अच्छे हैं, उस वक्त इस तरह के हालात नहीं थे। नहीं ऐसा था उस वक्त तो हमारे को सारे कितने 15-20 रुपए डेली मिलती थी, उसमें ही गुजारा करना पड़ता था, और जो खाने पीने का था हमें 20 रुपए मिलने, 20 में ब्रेकफास्ट भी करनी, लंच भी करना, लेकिन पैसे की शॉर्टेज थी उस वक्त, स्पोर्ट्स में इतना नहीं पैसा मिल रहा था। लेकिन फिर भी हमने जलवा जो आगे तक निकालते गए, हिमाचल की तरफ से हम प्रेजेंट करते गए, और टीमें हमारी ऐसा नहीं कि टीमें हमारी डाउन रही, अच्छी ही आ जाती है पोजिशन में। अब हमारा कलकत्ता में स्कूल नेशनल हुआ था, 4th पोजिशन थी हिमाचल की उस वक्त ऐसा था कि प्लेयर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला करते थे, और हिमाचल के प्लेयर भी हमारे जो टॉपर थे, कोई ऐसे ही नहीं थी, लेकिन आगे निकलने के लिए नहीं था कोई जॉब, नहीं कभी भी नहीं मिला जॉब। ऑफर तो मुझे काम मिला, मैंने ITI की हुई है, मोटर मैकेनिक की हुआ मैंने 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन कहीं भी नहीं इंटरव्यू, एक आध बार आया, वो भी आया 10 साल के बाद। अब 10 साल का गैप पड़ने के बाद हम क्या इंटरव्यू देंगे, या तो साथ साथ में हो जाता, लेकिन स्पोर्ट्स का नहीं हमें मिला कुछ भी। तो क्या व्यवसाय किया आपने शुरू से? ऐसे किया कि फादर के साथ काम करते रहे, और आगे हमारा जैसे बढ़ते गए, फादर ने कहा भाई आप तो शादी होने के काबिल हो गए, नौकरी मिल नहीं रही है, ऐसा करो व्यवसाय हमारे अपना ही करना शुरू कर दो। फिर हमने धीरे धीरे यहाँ दुकान फादर के साथ काम करते रहे। एक बार इंटरव्यू आया था हमारा SG में, शिमला में स्पोर्ट्स का निकला था, तो उस वक्त हम गए थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उन्होंने एक ही हमारे से क्वेश्चन पूछा कि आप डैडी के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा डैडी के साथ हम कोई जॉब वोड़ी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हेल्प करा रहे हैं, अगर यहाँ जॉब में नहीं हमें एडजस्ट कर सकते, 7-8 नेशनल खेलने के बाद हिमाचल ही हमें नौकरी ना दे तो बाहर तो हमें मिलेगी नहीं। ऐसा है कि हॉकी का तो हमें क्रेज बहुत है, अगर कहीं भी मैच लगा हो, कहीं भी हो, हम सब काम छोड़ देंगे, लेकिन मैच जरूर देखेंगे, क्योंकि हम हरे अंदर है वो जलवा, हर जगह जहाँ भी मैच लगते हैं हम चाहते हैं कि अभी खेलने लग पड़े, अभी खेलने लग पड़े, क्योंकि उस वक्त की जो हमने प्रैक्टिस की हुई है और अपने दिमाग में जो बिठाया हुआ था वो अभी तक नहीं हमारे दिमाग से निकलता है। अब हमारे साथ जो खेले वो बेचारे एक्सपायर हो चुके हैं, एक पवन कुमार थे हमारे फुल बैक रहे थे हॉकी के, और वो पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट भी हुए थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं। और एक हमारे प्रेमचंद है, मरोड़ी कहते थे, निक नेम उसका मरोड़ी है, उसने ऑल इंडिया लेवल का टूर्नामेंट खेला है, लेकिन खेला वो भी हमारे साथ ही है, हम हिमाचल की तरफ से गए, वो ऑल इंडिया लेवल के हैं, तो हमारे सेक्टर हो गया। और बाकी जो ये अपने जितने भी सुरजीत हॉकी के जो प्लेयर थे, ओलंपिक प्लेयर थे, इनके साथ हम खेले हैं,
गुरमेल है, सुरजीत है, प्रगट सिंह है, इन सब के साथ हमारे को नहीं तो वो स्तर तभी पकड़ी जाएगी जैसे स्पोर्ट्समैनों को बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज स्पोर्ट्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो ये स्तर नहीं बढ़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर अब खेल मंत्री बने हैं और इसी जिला से संबंध रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ियों के भविष्य को देखकर सरकार कोई फैसला ले ताकि खेलों के बाद उनके परिवार को जो दिक्कतें आती हैं उनका सामना ना करना पड़े। नहीं, अब उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं ना, वो नए बने हैं उनसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे अपने इलाके के खेल मंत्री बने हैं तो हो सकता है कि वो हमारे बारे में सोचें और आगे हमें जागृत करें तो इसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाए तो हम और जागृत हो जाएंगे और प्लेयर बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हमारा हिमाचल में तो पहला नंबर था ही हमीरपुर का, हॉकी में टॉप में हमीरपुर एरिया करता था। वहीं सुभाष के बेटे आशीष ने कहा कि खेलों के बाद सरकार की बेरुखी के चलते उनके परिवार ने उनको खेलने से दूर रखा। उन्होंने कहा कि वे अपने पिता के फैसले के बाद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और होटल मैनेजमेंट विषय में अपनी पढ़ाई पूरी की। पहले खेलते थे स्कूल टाइम में की थी, स्टार्ट पर मना कर दिया था घर वालों ने, तो फिर हमने छोड़ दी। रीज़न एक ही था कि इनको फ़ायदा नहीं मिला तो हमें तो दूर की बात है, क्योंकि आज के समय में हम अगर देखते हैं तो एक नेशनल के बाद ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है। यहाँ पे 11 खेलने के बाद कुछ नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि सीधा कि नहीं खेलना है। फिर हमने कभी भी नहीं किया ट्राई की गेम्स के साइड में हम कभी जाएँ।